press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भिवाड़ी में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने और एक अन्य युवक को जलाकर मारने की घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली के विरोध में दलित समाज के लोगों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी तिजारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग करते हुए आंदोलन करने की बात कही। गौरतलब है कि होली के मौके पर दलित युवक की कुछ गुर्जर समाज के युवकों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिस पर गुर्जरों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं दो दिन बाद मृतक के दोस्त का भी शव जला हुआ मिला था। इस घटनाओं पर पुलिस की ढीली कार्यवाही से नाराज दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को बंद कराना जी, जिसमें दो हत्याएं हो गई भिवाड़ी क्षेत्र में जी, जिसमें एक के ही अपराधियों को पकड़ा गया है, बाकी दूसरे मृतक के अपराधियों को आज तक भी नहीं पकड़ा गया है। इसके मामले में हमारा ये कहना है, यदि प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा और इस सीमा तक होगा। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, प्रशासन को हम चैन से नहीं बैठे। माननीय सीएम साहिबा और माननीय राज्यपाल राजस्थान इस बात के लिए अवगत हो हमारे माध्यम से, यदि उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया और उनको जेल भेजा नहीं गया और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही उग्र रूप से जारी रहेगी।